करते हैं। लोक में तो गाइस आज बहुत अच्छी धूप निकली और आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू चैलेंज, तो देखना मत भूल। अभी हमने पहन ली, मैं नहा चुकी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह सब पहन लिए हैं और अभी दोपहर के बजे हैं 12 और पापा को और हमें भूख लग रही थी इसलिए पापा बना रहे हैं पास्ता। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई तू सब पास्ता ये है यहाँ पर लहसुन को कूट रही हूँ, देख सकते हो इसके अंदर है ये लहसुन और अदरक भी है। पापा बहुत अच्छे पास्ता बनाते हैं। तो ये है भैंस के लिए बंटा, देखो गाइस ये देखो ये अंदर से, यानी इसको हम अंदर से निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो। और ये है दलिया भैंस के लिए, ये भी दलिया है, ये भी भैंस के लिए है। और तो क्योंकि मेरी मम्मी क्या कर रही है अंदर, अभी आप देख सकते हो मेरी मम्मी रेस्ट करती है दोपहर को। तो भाई चलो अभी हम बाहर चलते हैं क्योंकि मम्मी जग जाएगी फिर। पापा मानवी दीदी बना रहे हैं पास्ता, ये है अभी इस तरीके, अभी ये पक तो गया पर अभी इसके मसाला डालेंगे पापा इसके अंदर। अभी ये वाइट वाइट है, पापा ये है मसाला, इसके अंदर पापा ने डाला है टमाटर मिर्ची और ये प्याज और लहसुन और क्या क्या है आप देख सकते हो भाई, इस तरीका का है ये मसाला है पास्ता का। अब इसमें करेंगे पापा पीसे हुआ लहसुन, यानी कूटा हुआ लहसुन और इसके अंदर अदरक भी मिर्ची। देख सकते हो ये पास्ते पे आ गया है, पापा ने जो मसाला घेर था उस पर घेर दिया पापा ने पास्ता, तो पास्ता पे आ गया अभी पास्ते का जैसा कलर, देख सकते हो भाई। अभी पकने के बाद ये फिर तैयार हो जाएगा अच्छे से। ये पक चुके हैं तो मम्मा हमें डाल रही है, ये देख सकते हो सॉरी मौसी डाल रही है हमें, मिर्ची भी डाल दी तेरी तू देखो। शाम हो चुकी है और हमारा खेलने का टाइम हो चुका है, तो गाइस आज हम लेके आए एक न्यू गेम, इसका नाम है फास्ट फास्ट फास्ट। गाइस इस गेम में हमें क्या करना है, दीदी जो मानवी दीदी है वो एक कटोरी में सॉरी एक टोकरी में यानी बहुत चीजें लाएगी, जैसे यानी दो चीज एक चीज लाएगी इस कटोरी के नीचे, तो हमें उसमें जो उस चीज को हम जो यूज करते हैं उन वो बताने है, जो सबसे ज्यादा बता दिया वो जीत गया। तो गाइस जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग पेपर सीजर, चलो रॉन्ग पेपर सीजर। गाइस वेरी टू क्यू तो मैं खोलूंगी टोकरी को। गाइस आया है मेरे कपड़ा, तो चलो अभी दीदी टाइम में स्टार्ट करूंगी स्टार्ट। तो गाइस इस कपड़े से हम पौधे मार सकते हैं, इस कपड़े से हम जाले साफ कर सकते हैं, इस कपड़े को हम पहन सकते हैं, इस कपड़े से हम हमारे पजामे बना सकते हैं, इस कपड़े से हम दुपट्टा बना सकते हैं, इस कपड़े से हम आसन बना सकते हैं, इस कपड़े से हम कंबल बना सकते हैं, इस कपड़े से हम चादर बना सकते हैं, इस कपड़े से चादर कंबल एक ही है, इस कपड़े से हम किसी भी चीज जिससे पानी आता है उसको ढक सकते हैं, और इस कपड़े से हम दरी बना सकते हैं, इस कपड़े से हम साड़ी बना सकते हैं, इस कपड़े से हम इस कपड़े से हम इस कपड़े से
व्हाट्सएप कर सकते हैं मोबाइल से, पैसे कमा सकते हैं मोबाइल से फोन कर सकते हैं मोबाइल से पेटीएम कर सकते हैं, मोबाइल से फोटो भेज सकते हैं मोबाइल से हम अमेज़न कर सकते हैं कांच से चार वॉशरूम में लगाने के लिए कांच ही काम आता है।
मैंने 11 पॉइंट बनाया, तो सिर्फ 8 बना के वैसे आ ही जाएगा। तो 11 तो मैं 8 तो